क्या सच में आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया? हम गिव अप तो कर देते हैं और बहुत इजीली ये कह देते हैं कि यार सब कुछ ट्राई करके देख लिया, नहीं हो पा रहा। माय नेम इज त्रिलेखा, यू आर वॉचिंग लॉटोलर्न। बड़ा हुआ वेट, बिगड़ा हुआ फिगर या फिर बड़ी हुई टमी, कम तो हर कोई करना चाहता है पर 100% एफर्ट कोई नहीं लगाना चाहता, और फिर भी कह देते हैं यार सब कुछ ट्राई करके देख लिया। जब वेट कम कर रहे थे तब क्या आपने डाइट फॉलो की थी? कहीं आलू के पराठे और समोसे वाली डाइट तो नहीं फॉलो की थी? जिस भी वेट लॉस प्रोग्राम को आपने कंसिडर किया था, क्या उसे 6 मंथ्स या 3 मंथ्स तक पेशेंस के साथ फॉलो किया था? हाउ कैन यू से यू हैव ट्राइड एवरीथिंग? यू हैवंट। जॉब नहीं मिली, आज से 10 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए और बस फ्रेंड से कह दिया यार जॉब नहीं मिल रही है, बहुत ट्राई किया। आज के ज़माने में जॉब एजुकेशन या डिग्री से नहीं मिलती, आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना होगा। क्या आपने सेल्फ एनालिसिस किया? अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए। अक्सर जब हम इनएक्सपीरियंस होते हैं तब हम जंप मार के सीधे ऊपर जाना चाहते हैं। जब हम इनएक्सपीरियंस होते हैं तो हमें हर चीज़ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार छोटी सी कंपनी में छोटी सी जॉब भी काफ़ी कुछ सिखा जाती है। तो नेक्स्ट टाइम से ये मत कहिएगा कि यार जॉब नहीं मिल रही, यार मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा बच्चा बगैर मोबाइल के खाना ही नहीं खाता। ज़्यादातर मॉम्स की प्रॉब्लम। खाना खिलाते वक्त क्या आपने उसे स्टोरी सुनाने का ऑप्शन दिया? अगर दिया तो कितने दिन? 2 दिन? 3 दिन? दैट्स इट। किसी भी लत को छुड़ाने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है और हमें आराम से उस पर काम करना होता है। अगर किसी रीज़न से, किसी टेक्निकल रीज़न से मोबाइल इंटरनेट बंद पड़ गए तो क्या आप अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाएंगे? तब आप क्या ट्राई करेंगे? क्या आपने वो अभी ट्राई किया? सो देर इज़ लॉट यू कैन डू अबाउट दिस प्रॉब्लम। नेवर से आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। इंग्लिश तो यार क्लास ज्वाइन करके भी छोड़ दिया, फिर भी नहीं सीख पाया। अगर आप रोज़ 5 मिनट्स का एक इंग्लिश का वीडियो देखें और उसमें से कुछ भी अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें तो भी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश क्लासेस तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और बीच में छोड़ भी देते हैं। कुछ ग्रामर से डर जाते हैं, कुछ बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप ग्रामर से भागेंगे तो इनकरेक्ट इंग्लिश बोलकर अपना इम्प्रेशन ख़राब करेंगे। तो अगर कोई चीज़ सीखनी है तो उसमें टाइम और एफर्ट्स तो देने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से मत कहिएगा कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। नेवर गिव अप इन योर लाइफ सो ईजिली। आई ऑफन कम अक्रॉस पीपल हु हैव ऑलरेडी गिवन अप ऑन फ्यू थिंग्स लाइक एक्सरसाइज, इंग्लिश और पेरेंटिंग। इफ यू आर वन ऑफ देम, थिंक ट्वाइस, हैव यू रियली ट्राइड एवरीथिंग? Thank you so much for watching me. If you are new to my channel, subscribe to my channel. And if you like this video, do let me know through your comments and keep sharing it with others. See you soon with one more video.